हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैपलास ट्रांसफॉर्म 2 यानी कि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, जिसका ये लेक्चर 13 होने वाला है। यहाँ पर देखो, आज के लिए जो क्वेश्चन मुझे लेना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, टू फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फंक्शन लिखा है s+2 होल स्क्वायर अप॑न s²(4s+8)2। बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से ये आंसर लिखना चालू कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम लोग उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ऐसा लिखना होगा, टू फाइंड इनवर्स लैपलास, दैट इज इनवर्स लैपलास यानी कि एल के ऊपर में -1 लिखा, मैट्रिक्स जैसे इनवर्स मैट्रिक्स जैसे निकलता है उसकी तरह से। टू फाइंड इनवर्स लैपलास फॉर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन लिखूंगा मैं जो फंक्शन दिया हो, दैट इज s+2 का होल स्क्वायर, और डिनोमेटर में क्या लिखेंगे, s²(+4s+8)2 करना होगा। इतना हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या करना होगा, देखो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके, अगर हम लोग क्वेश्चन के डिनोमेटर वाले पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या दिया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, राइट। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार मैं लिख दूंगा, वो क्या है, s²(+4s+8)। ठीक है, तो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना रहे हैं, तो मिडल टर्म क्या है, अभी यहाँ पर देखो क्या है मिडल टर्म, एस का कोफिशियंट ही देखना होता है एज ए मिडल टर्म। तो एस का कोफिशियंट यहाँ पर 4 है, तो उसको हम लोग 1/2 से इंटू करेंगे, तो 4 को 1/2 से इंटू करने पर कितना आएगा, आंसर 2 आएगा, और उसका स्क्वायर करने पर कितना आंसर मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। तो वो जो 4 आया है, वो हमें एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। प्लस किस में करना है, एस में करना है, यानी कि s²(+4s) लिखने के बाद +4 ऐड करेंगे, और बाजू में जो कॉन्स्टेंट है उससे वो 4 माइनस करेंगे, यानी कि ऐसा लिखना होगा, s²(+4s+4)+8, ये एक्चुअल वाला, और वहाँ से जो 4 ऐड किया था ना वो बैलेंस कर दिया, ये जो पहला अंडरलाइन कर दिया और ये दूसरा कर्ली लाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ तक ये पहला अंडरलाइन। s² का स्क्वायर रूट कितना होगा, s होगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो ये प्लस लिखा, ये मिडिल टर्म छोड़कर आगे जो क्या है 4 है, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, स्क्वायर रूट कहा 2 होगा, उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, राइट साइड में क्या 8 - 4, आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है, जो 4 आएगा तो उसको इस तरीके से लिखेंगे 2 स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया ना वो है परफेक्ट स्क्वायर, किसके लिए, s²(+4s+8) इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, लेकिन क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर तो हम लोग तो फिर क्या करेंगे, ये जो परफेक्ट स्क्वायर आया है ना तो उसको ब्रैकेट में लिखकर उसका भी स्क्वायर लिखेंगे, ताकि आए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर ही लगे। ठीक है, तो देखो ये इतना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लैपलेस इनवर्स, सेम क्वेश्चन, s+2 का होल स्क्वायर अपॉन s²(+4s+8) ब्रैकेट में उसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू इनवर्स लैपलेस, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं किए थे तो वो एज इट इज s+2 का होल स्क्वायर, डिनोमेटर में देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आया था, s+2 का होल स्क्वायर आया था, इतना क्लियर है। देखो इतना हो जाने के बाद राइट साइड में जो भी हम लोगों ने इक्विवेलेंट पार्ट लिखा वहाँ पर हर जगह पे एस के साथ +2 दिख रहा है ना ब्रैकेट में, हर जगह पे ब्रैकेट में एस के साथ +2 दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इनवर्स लैपलेस थ्योरम की शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या कहा, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म थ्योरम की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते, तो उसमें क्या होगा, एस के साथ जो भी +2 आया है ना तो उसको हम लोग बाहर लेंगे, यानी कि एस के साथ जो भी नंबर आया हुआ है अगर प्लस में है तो -2 बाहर लेंगे, अगर ये -2 होता तो बाहर, यानी कि ये पूरे फंक्शन के बाहर क्या लिखते थे हम लोग, 2 लेते थे, लेकिन वो कैसे लिखना है, ई के पावर में लिखना है, तो यहाँ पर एस के साथ +2 है तो ई की पावर में क्या लिखेंगे, -2t लिखेंगे, ठीक है, 2t लिखना होगा, तो और ये बाजू वाला टर्म एज इट रहेगा, दैट इज इनवर्स लैपलेस, सिर्फ +2 एडजस्ट किया तो यानी कि ऊपर s² एज इट इज और नीचे s+2 तो बाहर लिया था, ये डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, s²(+2)² रहेगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसका भी कंबाइनली स्क्वायर था ना, तो राउंड ब्रैकेट देखे उसका स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देखो यहाँ पर मेरा मुझे स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर देना चाहिए था ऊपर, ये तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया था ना, उसके ऊपर का ये स्क्वायर दिया बाद में, ठीक है, इतना आया समझ में, और फिर ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगा, ठीक है, उतना समझे, थोड़ा सा ये स्क्वायर रह गया था तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ओवरलैप हो रहा था तो ब्रैकेट बाहर से बना दिया, इतना क्लियर हो गया। इसको लिखेंगे हम लोग 1, इसके पीछे क्या है हमारा मेन क्वेश्चन है, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये 1 वाला पार्ट आ गया, नाउ लिखा कन्वोल्यूशन थ्योरम, अब तक तो यूज ही नहीं हुआ ना, नाउ लेट फाइंड
लेट फाइन, जो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म मिला है ना जिसका करना है हमें, उसको हम लोग कन्वोल्यूशन से करेंगे, यानी कि एक्चुअल क्वेश्चन में ही कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई किया, ऐसे ही हो गया ना भैया। नाउ लेट फाइन इनवर्स लैपलेस फॉर फंक्शन एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। बाय यहाँ पर सिटी लिख देता हूँ, यानी कि बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। एक्चुअली हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म इनवर्स निकालना कन्वोल्यूशन थ्योरम से, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले हो गया, 3-4 लेक्चर पहले ही हो चुका है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस सम ले रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो ये है फाई ऑफ एस, इनवर्स लैपलेस किसके लिए निकालना, ये जो फाई ऑफ एस दिया है, तो हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते वक्त उस फाई ऑफ एस को हमें फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में स्प्लिट करना होता है, यानी कि अलग अलग करना होता है। तो लेट यहाँ पर मैंने फाई वन ऑफ एस, फाई वन ऑफ एस क्या ले लिया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ले लिया, ये वर्टिकल लाइन पार्टीशन कर दिया। एंड फाई टू ऑफ एस, फाई टू ऑफ एस क्या होगा, वही होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। देखो इन्हीं दोनों फंक्शन का अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो यही टर्म मिलने वाला है ना हमें, तो इसके कारण फाई वन ऑफ एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर होगा, और फाई टू ऑफ एस क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर होगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये जो फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस है उसका इनवर्स लेना है दोनों साइड। तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फॉर फाई वन ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी इनवर्स लैपलेस फॉर फाई टू ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैपलेस फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, इनवर्स लैपलेस फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का डायरेक्टली इनवर्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस टू टी, कॉस टू टी। राइट साइड में भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस टू टी, ठीक है। इतना हो जाने के बाद देखो ये पहले वाले फंक्शन का, फाई वन ऑफ एस फंक्शन का हमें कुछ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म मिला ना, तो उसको हम लोग नेमिंग कर देंगे बाय एज फंक्शन वन ऑफ वेरिएबल टी, टी वेरिएबल्स वन ऑफ फंक्शन है यहाँ पर राइट साइड में। फाई टू ऑफ एस था सेकेंड फंक्शन था, फाई टू उसका हमें इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म मिला, उसका नेमिंग क्या हो जाएगा, एफ टू ऑफ टी। इतना क्लियर हो गया। चलो इसके आगे क्या करके हम लोग अभी कन्वोल्यूशन थ्योरम लिखेंगे, एक्चुअली होता क्या है, इतना क्लियर है। देखो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम लिख लेता हूँ, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, देखो फॉर इनवर्स लैपलेस फॉर फाई ऑफ एस, फाई ऑफ एस यानी कि कोई भी एक बड़ा फंक्शन रहेगा, उस फाई ऑफ एस फंक्शन को हम लोगों ने स्प्लिट किया था ना अभी अभी, इनवर्स लैपलेस फॉर फाई वन ऑफ एस लिखा था डॉट फाई टू ऑफ एस लिखा था, राइट right? ऐसा करेंगे इक्वल टू, तो क्या हो जाता है एक्चुअल में कन्वोल्यूशन थ्योरम, इंटीग्रल जीरो टू टी एफ वन ऑफ यू लिखना है, एफ वन ऑफ टी मिला था लेकिन लिखते हम लोग यहाँ पर एफ वन ऑफ यू डॉट एफ टू ऑफ टी माइनस यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ टू ऑफ टी माइनस यू, एफ टू ऑफ टी था यानी कि एफ सेकेंड फंक्शन, एफ टू फंक्शन टी वेरिएबल से बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करूँगा तो ये सेकेंड फंक्शन दैट इज एफ टू फंक्शन टी वेरिएबल से बना हुआ नहीं दिखाएंगे, जबकि टी माइनस यू वेरिएबल से बना हुआ दिखाएंगे, और लास्ट में क्या लिखना होगा, हमें डी यू लिखना होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल इनवर्स लैपलेस फॉर फाई ऑफ एस क्या था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना फाई ऑफ एस, फाई ऑफ एस ये वाला फंक्शन मुझे लिखना है, दैट इज एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो लिखूंगा मैं यहाँ पर इनवर्स लैपलेस फॉर एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू इनवर्स लैपलेस फॉर फाई वन ऑफ एस क्या रहेगा उसका, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिख देते इसको, डॉट फाई टू ऑफ एस क्या लिया था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, उसको भी एक ब्रैकेट में लिख देते, इन दोनों फंक्शन का इंटू करने पर यही फंक्शन मिलने वाला है लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू आगे वाला पार्ट नीचे लिख देता हूँ, इंटीग्रल जीरो से लेकर टी लिखा, एफ वन ऑफ यू, देखो एफ वन ऑफ यू यहाँ पे दिख रहा होगा ना, एफ वन ऑफ यू दिख रहा है, टी वेरिएबल नहीं लिखना है, टी की जगह पे यू आना चाहिए, यानी कि फंक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस टू यू लिखेंगे, यहाँ पर लिखा कॉस टू यू लिखा, सेकेंड फंक्शन भी वही था, ये कॉस टू डी था लेकिन टी वेरिएबल नहीं लिखना है, टी की जगह पे वेरिएबल क्या प्लेस करना होगा, टी माइनस यू, यानी कि कॉस टू एज इट इज रहेगा, कॉस टू एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, टी माइनस यू और लास्ट में डी यू एज इट इज़, ठीक है, इतना रिलेट हुआ होगा। इसके बाद देखो ये टू यू को अगर मैं ए मानता हूँ और ये वाले ब्रैकेट को मैं बी मान देता हूँ, तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी का तो फॉर्मूला नहीं होता लेकिन टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है ना, टू कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर टू है नहीं,
हम लोग टू नहीं है तो उसको ले लेंगे, और लेने के कारण वो टू एक्स्ट्रा टू लेने के कारण उसको अपॉन में एडजस्ट करना होगा। तो ये अपॉन का 1/2 कहाँ से आया होगा, वो क्लियर हुआ होगा, 1/2 इंटीगल 0 to 2 लिखा, ये टू एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पर, टू एक्स्ट्रा टू लेने के बाद साथ में और एक स्टेप कर देते, ये टू यू एज इट इज़ लिखा, टू अंदर डाल देता हूँ, इंटू कर देता हूँ, दैट इज़ कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, 2t माइनस 2u हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और ये लास्ट का du, इतना क्लियर हो गया, लास्ट का ये du इतना क्लियर है। देखो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसको, ये जो अंडरलाइन किया है उसको a कहेंगे और ये जो दूसरा ब्रैकेट है उसको b कंसिडर कर देते, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी होता है, राइट। तो इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अभी देखो इसके आगे के स्टेप में क्या लिखेंगे, ये बाहर का 1/2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो इंटीग्रल 0 to 2 ये लिखना होगा, ब्रैकेट दिया क्यू, ये जो अंडरलाइन है ना, अंडरलाइन ये जो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, टू कॉस ए कॉस बी का क्या होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी रहेगा, तो कॉस लिखूंगा मैं, कॉस ब्रैकेट दिया ए प्लस बी ऐड करने के लिए, टू यू प्लस 2t माइनस 2u, तो प्लस 2u माइनस 2u कैंसिल होकर क्या बचेगा, ओनली 2t बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर कॉस 2t लिखा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि इससे ये माइनस होगा, टू यू माइनस 2t माइनस 2u, तो माइनस माइनस ये 4u माइनस 2t रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट पे du क्लोज। ये जो बाहर का इंटीग्रेशन है, पहले वाले cos 2t को भी अप्लाई होगा, प्लस कि आगे जो cos आया उसको भी इंटीग्रेशन वो अप्लाई होगा बाहर का। देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन किसके साथ करना है, विथ रिस्पेक्ट टू du वेरिएबल करना है, तो ये cos 2t में तो u कहीं है ही नहीं, इंटीग्रेशन हमें करना है विथ रिस्पेक्ट टू यू वेरिएबल, क्योंकि लास्ट में डी यू लिखा है, तो कॉस्ट टूटी में यू कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस्ट टूटी इज द कांस्टेंट टर्म, वहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ मिला नहीं हमें कोई वेरिएबल, यानी कि वहाँ तो वन तो छुपा हुआ है, और वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू अगर करते हैं, डी यू अगर करते तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, इसका मतलब ये कॉस्ट टूटी बाहर लिया हुआ, इंटीग्रेशन जब करते हो तो ये ब्रैकेट, ये कॉस्ट टूटी बाहर लिया एज अ कांस्टेंट, वहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो वन तो बचा, और वन का इंटीग्रेशन कितना होगा, u रहेगा, प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ साइन, तो साइन जो रेडियन एंगल है तो वो लिखेंगे हम लोग, दैट इज 4u माइनस 2t, और अपॉन में ये कॉम्प्लेक्स एंगल है ना दादा, तो अपॉन में जो भी ब्रैकेट आया उसका डेरिवेटिव किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू u, वो कितना आएगा 4, तो वो 4 अपॉन में लिखा, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, देखो 0 और t ये वेरिएबल किसकी जगह पे प्लेस करने हो गए मुझे, u की जगह पे, क्योंकि u इज द वेरिएबल ना इंटीग्रेशन करते वक्त, तो ये पहले हम लोग अपर लिमिट t पुट करेंगे u की जगह पे, इस u की जगह पे अगर t पुट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये cos 2t into t लगेगा ना, और आप लोग शायद गलती से cos 2t square भी लिख सकते हैं, लेकिन वो cos 2t square लिखना गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो u है वो एल्जेब्रिक का है, और ये 2t जो आया है ना वो रेडियन एंगल है विथ विच इज कंसर्न विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, ठीक है, तो कॉस 2t स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा, तो इससे अच्छा क्या कर देते हैं हम लोग, u को आगे लिख देते हैं, ठीक है, u को आगे लिखा और ये cos 2t लिखा, प्लस साइन ऑफ 4u माइनस 2t अपॉन में 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करते हैं, u की जगह पे अपर लिमिट t पुट करूँगा और माइनस देकर u की जगह पे लोअर लिमिट दैट इज 0 प्लेस करना होगा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन काम चल रहा है, 1/2 ब्रैकेट u की जगह पे t आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, t cos 2t प्लस 4t माइनस 2t, कितना रहेगा, u की जगह पे t प्लेस कर रहे हैं, 4t माइनस 2t sin 2t, sin 2t अपॉन 4, अपर लिमिट हो गया प्लेस कर माइनस, फिर ब्रैकेट u की जगह पे 0, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, u की जगह पे 0 ये टर्म 0 हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस t रहेगा, लिख देते हैं फिर हम लोग उसको, सिर्फ साइन ऑफ माइनस 2t ब्रैकेट क्लोज अपॉन का 4, ये पूरा मेन ब्रैकेट क्लोज लोअर लिमिट वाला, और उसके बाहर का ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इतना क्लियर है। देखो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 ब्रैकेट में पहले कुछ टर्म एज इट इज, t cos 2t प्लस साइन 2t बाय 4, ये भी एज इट इज आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या कहा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बाहर माइनस है यानी कि आफ्टर ऑल क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2t अपॉन 4 हो जाएगा, और लास्ट का ये स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट के दो टर्म को अगर हम लोग ऑब्जर्व कर देते तो ये दोनों टर्म सेम है, तो बेस भी सेम है, बेस सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर एडिशन हो जाएगी उनकी, साइन 2t प्लस साइन 2t 2 sin 2t, ऊपर 2 है नीचे 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर कैसे रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 बाहर, t cos 2t प्लस
साइन 2t अपॉन 4, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया बेस सेम है तो ऊपर का डायरेक्टली एडिशन टू टाइम्स हो जाएगा, 2/4, यानी कि कितना होगा नेक्स्ट स्टेप में, 1/2, 1/2 ये बाहर का, टी कॉस 2t प्लस साइन 2t/2, साइन 2t/2 लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में जो भी ब्रैकेट के अंदर आया है उसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आया उसको क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या हो जाएगा, वो 2t cos 2t प्लस साइन 2t अपॉन में यहाँ पर रहेगा 2, जो अपॉन का 2 है बाहर के 1/2 के साथ अगर इंटू करते हो तो क्या हो जाएगा, ये 1/4, यहाँ पर 2t cos 2t प्लस साइन 2t, ठीक है, इतना ही रहेगा ना, ये सिर्फ बाहर का 2 इसके साथ इंटू कर दिया, 2t cos 2t और प्लस साइन 2t, इसको नंबर 2 करेंगे और इसके लेफ्ट साइड में जो पार्ट था उसको लिखेंगे, दैट इज इनवर्स लाप्लास फॉर s² अपॉन s² + 2² का भी होल स्क्वायर था। अभी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखना होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 ऑब्जर्व करके लिखना होगा। देखो वन पार्ट में क्या लिखा था, ये मेन क्वेश्चन अपना जो पूछा था जिसका इन्वर्स लैपलेस निकालना था वो मेन क्वेश्चन लेफ्ट साइड में है, इक्वल टू में राइट साइड में क्या आया था, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने के बाद s² अपॉन s² + 2² का होल स्क्वायर, इसको हम लोगों ने ये जो अंडरलाइन किया उसको हम लोगों ने कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला, ये वन में लिखा था, इसका आंसर निकाला हुआ ना ये जो अंडरलाइन वाले पार्ट का, वही आंसर मैं e^-2 के इस बाजू में लगा दूंगा बाय 1 एंड 2 लिखकर, इसी का मतलब हमें क्या हो जाएगा, मेन क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिखा तो भी चलेगा, पीछे क्या आएगा अपना मेन क्वेश्चन, इनवर्स लैपलेस फॉर, मेन क्वेश्चन क्या था, देखो s² अपॉन s² + 4s + 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में क्या था, देखो बाहर e^-2t था ना, तो वो लिखा e^-2t लिखा, डॉट ब्रैकेट दे दूंगा, उसके बाद ये वाला टर्म जो अंडरलाइन है ना उसका इन्वर्स लाप्लास आया हुआ, उसका इन्वर्स लाप्लास ये इक्वेशन 2 में दिख रहा है हमें, वो लिख देंगे, वो क्या क्या होगा, देखो 1/4 ब्रैकेट में 2t cos 2t ब्रैकेट में लिखा इसको, और यह आगे क्या रहेगा, ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, सॉरी ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, प्लस साइन 2t, अभी राउंड ब्रैकेट क्लोज है और ये अभी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, एक्चुअली ये स्क्वायर ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी दिया होता तो भी चलता था, लेकिन इतना याद रखो ये वाला राउंड ब्रैकेट है नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये गलती से आ गया था उसको मिटा दिया, 1/4 2t cos 2t प्लस साइन 2t, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, सेम कंसेप्ट के ऊपर, देखो मैंने पहले भी बोला है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से जो इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म थ्योरम के सम है या फिर जो भी कंसेप्ट भी है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ समझ लेगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, टू फाइंड इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करवाना है वो मैंने क्वेश्चन लास्ट में लिखा है, उसमें क्या दिया है, फाइंड इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, CD यानी कि कन्वोल्यूशन थ्योरम, फॉर क्वेश्चन लिखा है 1/(s-2)^4 और s+3, ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में आए, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, राइटिंग द गिवन क्वेश्चन इन मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज टू फाइंड इनवर्स लैपलेस, उसको हम लोग मैथमेटिकल के टर्म में लिखेंगे, यानी कि ऐसा लिखना होगा टू फाइंड आंसर निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने एरो कर दिया, टू फाइंड मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा इनवर्स लैपलेस फॉर 1/(s-2)^4 और यहाँ पर s+3 बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम से यूज़ करना है ना हम लोग को इसको, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो इसी के मुझे क्या करने होंगे, दो फंक्शन, ये पूरा 5f है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये पूरा 5f है, इस 5f से मुझे दो फंक्शन को स्प्लिट करना है, एक को कंसिडर करना है 5/1 और दूसरे को कंसिडर करना है 5/2, तो लेट ऐसे केस में क्या करो आप लोग, 5/2 ना थोड़ा सिंपल ही रखने की कोशिश करो, क्या 5/2 सिंपल रखने की कोशिश करें, सिंपल यानी कि देखो s+3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो वो सिंपल हो जाएगा 5/2 के लिए, तो लेट 5/1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेना होगा ना, एक को सिंपल रखा तो दूसरा कॉम्प्लिकेटेड लिखना होगा, तो 5/1 क्या ले लेता हूँ, 1/(s-2)^4, ठीक है, ये पार्टीशन बना दिया, और 5/2 क्या लेंगे फिर हम लोग, 1/(s+3),
अगर इन दोनों फंक्शन का इनटू होता है फाई वन ऑफ एस और फाई टू एफ, इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये ऊपर वाला मेन क्वेश्चन मिलेगा ना हमें, इतना क्लियर होगा होगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, यानी कि क्या करना होगा, इनवर्स लैपलेस फॉर फाई वन ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैपलेस फॉर वॉट, वन अपॉन एस माइनस टू टू द पावर फोर। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड का कर लेता हूँ। यहाँ पर s के साथ कौन आया है, माइनस टू, क्या कहा मैंने, यहाँ पर s के साथ कौन आया, माइनस टू, ये माइनस टू मुझे बाहर लेना होगा, माइनस टू बाहर लेना है तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना होगा, तो माइनस टू बाहर आता है तो वो लिखेंगे प्लस टू ई टू ई की पावर में, तो ई टू द पावर टू टी हो गया, इनवर्स लैपलेस फॉर क्या रहेगा, वन अपॉन एस टू द पावर फोर रह जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अभी देखो, वन अपॉन एस टू द पावर एन अगर रहता है, वन अपॉन एस टू द पावर एन रहता है, अगर उसको हम लोग इनवर्स लैपलेस अप्लाई कर देते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। कितना आया समझ में, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, इनवर्स लैपलेस फॉर वन अपॉन एस टू द पावर एन, एन है अगर, एन कोई भी नंबर है पॉजिटिव नंबर, तो उसके वैल्यू क्या हो जाती है, टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। अपने केस में एन की जगह पर कितना आया, फोर आया है, तो क्या करेंगे हम लोग, फोर माइनस वन कितना होगा, थ्री, तो टी टू द पावर थ्री अपॉन फोर माइनस वन थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल कितना होता है, सिक्स होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ई टू द पावर टू टी, टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल या 36। इतना क्लियर हुआ होगा, फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये पहला फंक्शन आया फाई वन ऑफ एस, इस फंक्शन का इनवर्स निकाला ना हम लोगों ने, तो उसको नेमिंग करेंगे हम लोग बाय एफ वन ऑफ टी लिखकर। राइट साइड में देखो, फाई टू ऑफ एस वन अपॉन एस प्लस थ्री लिखा था, उसका इनवर्स लैपलेस क्या लिखेंगे हम लोग, इनवर्स लैपलेस फॉर फाई टू ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैपलेस फॉर वन अपॉन एस प्लस थ्री, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, वन अपॉन एस प्लस ए या फिर वन अपॉन एस माइनस ए अगर ऐसा होता है तो उसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एस के साथ कौन आया है, प्लस थ्री, तो प्लस थ्री को बाहर लेते तो ई की पावर में क्या लिखना होगा, ई टू द पावर माइनस थ्री टी लिखना होगा, बचेगा क्या, इनवर्स लैपलेस फॉर वन अपॉन एस, और इनवर्स लैपलेस फॉर वन अपॉन एस कितना होता है, वन ही होता है, तो वन लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही हो गया। तो सेकेंड वाले फंक्शन का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाला, तो उसको नेमिंग करेंगे हम लोग एफ टू ऑफ टी लिखकर। इतना क्लियर हो गया हुआ होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अभी बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम उतना लिख दिया, तो स्टेटमेंट लिखूंगा मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम की, दैट इज इनवर्स लैपलेस फॉर फाइव फाइव ऑफ एस लिखा कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, इनवर्स लैपलेस फॉर दोनों अलग अलग स्प्लिट किए हुए फंक्शन को इनटू दिखाना है, दैट इज़ फाई वन ऑफ एस इनटू फाई टू ऑफ एस इज इक्वल टू में क्या होता है, इंटीग्रल जीरो टू टी एफ वन ऑफ यू डॉट एफ टू ऑफ टी माइनस यू ब्रैकेट क्लोज राइट साइड में डी यू। यहाँ पर मैं मेन क्वेश्चन लिखूंगा, दैट इज इनवर्स लैपलेस फॉर वन अपॉन एस माइनस टू का होल पावर फोर है और साइड में है एस प्लस थ्री, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर दो स्प्लिट किए हुए फंक्शन हमने क्या लिए थे, इनवर्स लैपलेस फॉर पहला फंक्शन ऐसा माना था वन अपॉन एस माइनस टू का होल पावर फोर एक ब्रैकेट में लिखा, और दूसरा फंक्शन क्या माना था वन अपॉन एस प्लस थ्री उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा, राइट, तो ये फाइव वन ऑफ एस था, उसका एफ वन कितना आया था, देखो यहाँ पर दिख रहा है ई टू द पावर टू टी डॉट टी क्यूब बाय सिक्स, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग टी न लिखते हुए क्या लिखेंगे, एफ वन ऑफ यू लिखेंगे, एफ वन ऑफ टी है ना, तो टी वेरिएबल हटाकर उसकी जगह पर यू लिखना होगा, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाहर आएगा इंटीग्रल जीरो टू टी, यहाँ पर क्या लिखेंगे ई टू द पावर टू यू आएगा डॉट यू क्यूब होगा यू क्यूब अपॉन सिक्स, ये एफ वन ऑफ यू हो गया डॉट एफ टू ऑफ टी माइनस यू, एफ टू ऑफ टी माइनस यू क्या लिखना होगा, देखो ई टू द पावर टी है ना माइनस थ्री टी, तो टी हटाकर टी की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग टी माइनस यू लिखेंगे, और फंक्शन क्या है ई टू द पावर माइनस थ्री टी ना लिखे लिखते हुए टी माइनस यू ये वेरिएबल प्लेस करना होगा, बाहर क्या रहेगा लास्ट में डी यू। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर फंक्शन में सेकेंड फंक्शन में एफ टू फंक्शन में ई टू द पावर माइनस थ्री टी था ना, तो टी हटाकर टी की जगह पे क्या लिखना है टी माइनस यू लिखना था, इसके कारण ई टू द पावर माइनस थ्री लिखने के बाद टी की जगह पे क्या लिखा टी माइनस यू लिखा और लास्ट का ये डी यू। इसको आगे अभी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, आगे सिंप्लीफिकेशन कैसे करना होगा, देखो ये अपॉन का सिक्स इज द कॉन्स्टेंट नंबर, वो सब इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो कैसे रहेगा वन बाय सिक्स इंटीग्रल जीरो टू टी ई टू द पावर टी यू, ये यू क्यूब भी लिखा, ये इंटू होगा यानी कि ई टू द पावर माइनस थ्री टी भी हो जाएगा डॉट
माइनस थ्री इंटू माइनस यू क्या हो जाएगा, प्लस थ्री यू, और ई के पावर में रहेगा ना वो प्लस थ्री यू, चलो उसको ऐसा लिखा। लास्ट में क्या रहेगा, डी यू, ई की पावर में आया हुआ टर्म है ये सारे, ऊपर का जो लिखा ना ब्रैकेट में, चलो ब्रैकेट में भी दिखा दिया, ई की पावर में आया हुआ है, तो बेस सेम है, तो पावर में यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वन बाय सिक्स इंटीग्रल जीरो टू टी ई टू द पावर टू यू, यू क्यूब ई टू द पावर माइनस थ्री टी ई टू द पावर थ्री यू, बेस सेम है, तो पावर की एडिशन ऊपर जैसा हो जाएगा, ये ब्रैकेट था ब्रैकेट, ये माइनस आया था, माइनस में लिखा ई की पावर में माइनस थ्री टी प्लस थ्री यू, और लास्ट में क्या रहेगा, डी यू। देखो यहाँ पर इस वाले फंक्शन का जो भी लास्ट में फंक्शन दिख रहा है आप लोगों को, उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ करना है, यू के साथ करना है ना, यानी कि ई टू द पावर माइनस थ्री टी क्या को क्या कंसिडर करना होगा, एज ए कॉन्स्टेंट करना होगा, अगर इसको कॉन्स्टेंट कंसिडर करना है तो उसका इंटीग्रेशन के अंदर कोई काम नहीं है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, यानी कि बाहर कॉन्स्टेंट लिया हुआ टर्म क्या हो जाएगा अभी के लिए, ई टू द पावर माइनस थ्री टी अपॉन सिक्स इंटीग्रेशन जीरो टू टी लिखेंगे, e टू द पावर टू यू ई टू द पावर थ्री यू, तो क्या लिखना होगा, e टू द पावर फाइव यू लिख सकते हैं ना हम लोग, पहले यू क्यूब लिख लेता हूँ, फिर e टू द पावर फाइव यू लिख लेता हूँ, फिर डी यू, इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज में देखो, ये यू क्यूब इज द एल्जेब्रिक फंक्शन, e टू द पावर फाइव यू ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंटीग्रेशन करना है, दो फंक्शन दिख रहे हैं आगे, एक फंक्शन एल्जेब्रिक है दूसरा एक्सपोनेंशियल है, तो एल आई ए टी ई ये रूल सीखा रहेगा आप लोगों ने। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेशन बाय क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा ना, तो इंटीग्रेशन पार्ट्स के दो फॉर्मूले, उसमें से हम लोग जनरलाइज रूल यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स। ठीक है, अगर ऐसा फॉर्मूला होता है जनरलाइज रूल का, तो क्या होता है, पहले यू लिखते हैं एज इट इज़, उसके बाद जो भी वी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सबस्क्रिप्ट, उसके बाद प्लस माइनस यू का भी डिराइड होगा यू डैश, ये जो वी वन था वी वन का अगेन इंटीग्रेशन होता है तो वी टू बनता है, प्लस माइनस प्लस यू डैश, यानी कि यू का एक बार डिराइड किया था, अभी यू क्या होगा डबल डैश, यानी कि पहले वाले फंक्शन का डबल डिराइड हो जाएगा, और ये जो वी थ्री फंक्शन था उसका फिर से इंटीग्रेशन होता है तो क्या हो जाएगा, वो वी थ्री माइनस यू डैश डबल डैश था, अभी क्या हो जाएगा यू ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश यानी कि इनिशियल फंक्शन का जो यू था उसका तीन बार डिराइड वी थ्री से क्या बन जाएगा, अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा बी फोर हो जाएगा, ऐसे छः नहीं है, जब तक रुकता नहीं तब तक मैं ऐसे करते जाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और लास्ट में मैंने ऐसे, दिस इज द जनरलाइज रूल फॉर इंटीग्रेशन, लेकिन उसमें ऑर्डर कैसे होती है, देखो मैं नीचे ये भी लिख लेता हूँ, एल आई ए टी ई, इसमें लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, यू, क्या कहा, लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको यू कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों में पहला वाला यू क्यूब इज द एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, देखो लास्ट में आता है ना, तो ये मेरा यू हो जाएगा और ये मेरा ये एल्जेब्रिक हो जाएगा फंक्शन और ये मेरा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन लेफ्ट टू राइट में पहला आ रहा है ना, तो अपना यू क्या हो जाएगा, यू क्यूब ही हो जाएगा, राइट, तो बाय फॉर्मूला मुझे उसको पहली बार इंटीग्रेशन करते वक्त क्या करना होगा, एज इट इज़ लिखना होगा, इतना तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में कैसे करते हैं, देखो ये इक्वल टू तो लिखा, बाहर का पार्ट क्या लिखना है, एज इट इज़ ई टू द पावर माइनस थ्री टी अपॉन सिक्स एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब इसके कारण ये ब्रैकेट दे दिया, यू क्यूब इज द एल्जेब्रिक टर्म जो कि लेफ्ट टू राइट पहले आया है तो उसको यू एज इट इज लिखना है, देखो इधर दिख रहा है ना यू एज इट इज लिखना है, तो यू एज इट इज लिखूंगा दैट इज यू क्यूब, यू एज इट इज लिखने के बाद वी फंक्शन कौन सा है, यू वी, वी में यानी कि दूसरा जो इंटीग्रेशन करना है उसको फंक्शन कौन सा है, ई टू द पावर फाइव यू है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, तो ई टू द पावर फाइव यू किया, लेकिन ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स रहता है, लेकिन एक्स की जगह पे अगर कोई अजीब टर्म होता है तो उस एक्स का हम लोग एक्स की जगह पे आए हुए टर्म को हम लोग डेरिवेटिव लिखकर अपॉन में लिखते हैं ना इंटीग्रेशन में, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन एज इज इटसेल्फ तो मैंने लिख दिया, लेकिन एक्स की जगह पर क्या आया है फाइव यू, तो फाइव यू का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू यू करते हो तो फाइव होगा, तो कहाँ पर लिखेंगे हम लोग अपॉन में, तो ये हो गया वी वन, किसके लिए वी वन हुआ, वी इस फंक्शन का पहला इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, यू वी वन हो गया, उसके बाद माइनस साइन दो, यू का डेरिवेटिव यू क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा थ्री यू स्क्वायर, इतना हो गया यू क्यूब का डेरिवेटिव थ्री यू स्क्वायर, अभी क्या करेंगे, ये जो फंक्शन था ई टू द पावर फाइव यू अपॉन फाइव उसका फिर से इंटीग्रेशन, ई टू द पावर फाइव यू का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, ई टू द पावर फाइव यू रहेगा, लेकिन इस बार भी वापस फाइव नीचे आएगा ना, और ये ऑलरेडी एक बार पहले था, यानी कि अपॉन में क्या रहेगा ट्वेंटी फाइव, यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस माइनस
प्लस, ठीक है, अभी 3u² का डिरेवेटिव, उसका डिरेवेटिव क्या हो जाएगा 6u, इसका इंटीग्रेशन यानी कि e टू द पावर 5u एज इट इज, अपॉन में ऑलरेडी 25 है, ऊपर से 5 वापस नीचे आएगा तो अपॉन में 125, इतना क्लियर है। नेक्स्ट टर्म है प्लस माइनस प्लस माइनस, 6u का डिरेवेटिव कितना होगा ओनली 6, इसका फिर से इंटीग्रेशन क्या इतना होगा e टू द पावर 5u अपॉन में 125 इंटू 5 दैट इज 625। अभी देखो 6 का फर्दर डेरिवेटिव कितना होता है 0, ये कांस्टेंट है, 6 का फर्दर डेरिवेटिव 0 यानी कि ये चेन इधर ही रुक रही है ना, ये इंटीग्रल जनरलाइज रूल यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। लोअर लिमिट कितना था क्वेश्चन में 0 था, और अपर लिमिट कितना था टी था, 0 से लेकर टी, डेफिनेशन का देखो 0 से लेकर टी था ना, वो लिख दिया, इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, देखो यू की जगह पे अपर लिमिट टी पुट करना है, उसके बाद माइनस देकर ब्रैकेट देंगे, फिर यू की जगह पे लोअर लिमिट 0 पुट करना है, ई टू द पावर कितना रहेगा -3t अपॉन का 6 स्क्वायर ब्रैकेट, यू की जगह पे टी यानी कि टी क्यूब आएगा, ई टू द पावर 5t अपॉन 5 -3t² ई टू द पावर 5t अपॉन 25 -6t ई टू द पावर 5t अपॉन 125 -6 अपॉन 625 ई टू द पावर 5t, ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अपर लिमिट टी की जगह यू की जगह पे टी प्लेस कर दिया, माइनस देकर क्या देना है यू की जगह पे अभी 0 आएगा, देखो यहाँ पर यू आएगा तो ये टर्म 0, यहाँ पर यू आएगा तो ये टर्म 0, यानी कि ये भी टर्म 0 हो जाएगा यू आने पर, लास्ट वाला टर्म रहेगा, अपर लिमिट हो गया, उसके बाद -2 माइनस के बाद ब्रैकेट देना होता है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर पावर में 0 पुट करेंगे ना हम लोग, तो नीचे यहाँ पे क्या आएगा फिर ब्रैकेट में -6 अपॉन 625 ई टू द पावर 0, एनी थिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट ई यू की जगह पे 0, तो ये एनी थिंग रेस टू 0 1 होता है, तो ये -6 अपॉन 625 एज इट इज लिखा, ये मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लास्ट में मेन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पर ये आया नहीं रहेगा ना स्क्रीन पर, वापस एक बार बताता हूँ, इधर से यू की जगह पे टी प्लेस किया, टी क्यूब ई टू द पावर 5t अपॉन 5 -3t² ई टू द पावर 5t अपॉन 25 यू की जगह पे टी प्लस प्लस माइनस, ये प्लस होना चाहिए था, देखो ये प्लस होना चाहिए था, प्लस 60 ई टू द पावर 5t 125 माइनस यू की जगह पे टी यानी कि -6 अपॉन 625 यू की जगह पे टी यानी कि ई टू द पावर 5t या अपर लिमिट पुट करके हो गया, उसके बाद -2 माइनस कर दो, एक ब्रैकेट दो, ब्रैकेट देने के बाद जहाँ पर भी यू है वहाँ पर लोअर लिमिट का 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -6 अपॉन 625 लिखा, ई टू द पावर 0 एनीथिंग रेस टू 0 होता है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, ये लोअर लिमिट वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या करना है हमें, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन देखो किस तरीके से होगा, ई टू द पावर 5t है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, हम लोग कंबाइनली उसको बाहर ले सकते हैं, ठीक है, और ये वाला माइनस वाला ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ई टू द पावर 5t बाहर आ सकता है सारे टर्म में से, ई टू द पावर बाहर कितना था -2t था, ई टू द पावर -3t अपॉन का 6 ई टू द पावर 5t बाहर ले लिया, ठीक है, तो पहला टर्म क्या रहेगा टी क्यूब अपॉन 5 राइट, टी क्यूब अपॉन 5 -3t² अपॉन 25 प्लस 60 अपॉन 125 -6 अपॉन 625, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये एक ब्रैकेट में आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस यही से लिया, लेकिन यहाँ से लिया है क्या, ई टू द पावर 5t को नहीं लिया, तो इसके अपॉन में आ जाएगा ना 6 अपॉन 625, या फिर चलो ऐसा कंसिडर करते हैं तो उसको नहीं ले लिया, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैकेट डाला, लास्ट में एक बड़ा सा ब्रैकेट डाला, इतना क्लियर है क्या, ई टू द पावर 5t कॉमन बाहर ले लिया तो सही है, लेकिन इन इनमें से लिया से बी जो अंडरलाइन दिख रहा है ना, ये जो अंडरलाइन दिख रहा है ना जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया उसी में से लिया, उसी में से लिया, यानी कि इधर ही आया बाहर, अंदर क्या क्या रहेगा टी क्यूब बाई 5 लिखा, -3t² बाई 25 लिखा, +60.125 वो लिखा, -6 ये जो अंडरलाइन किया ना ये जो वैसे ई टू द पावर 5t बाहर ले लिया, आगे इसमें एज इट इज रहेगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस
प्लस सिक्स अपॉन 25, ये जो भी पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा उसको बाहर का ई टू द पावर माइनस 3t और अपॉन का 6 इंटू होने वाला है, उतना क्लियर हो गया। इसको लिखेंगे हम लोग 2, इसको क्या लिखेंगे नंबर 2। और पहला वाला इक्वेशन अभी क्या किया जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे। देखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखना होगा फिर अभी हमें, इतना क्लियर है। देखो अपना इक्वेशन सेकंड बना ही नहीं था, हम लोगों ने डायरेक्टली क्वेश्चन लिखना चालू कर दिया था, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन जैसे इक्वेशन वन कुछ बना ही नहीं था, सॉरी उसको थोड़ा सा इग्नोर हो गया मुझसे, तो डायरेक्टली हमें आंसर मिला ना। इसके पीछे हमारा डायरेक्टली मेन क्वेश्चन दैट इज इनवर्स लाप्लास फॉर, डायरेक्टली क्वेश्चन था ना ये एस माइनस टू का होल रेस टू 4 और यहाँ पर एस प्लस 3, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करने जैसे कोई पार्ट है नहीं, सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो कैसे हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 3t इंटू e टू द पावर 5t क्या रहेगा, e टू द पावर 2t रहेगा ना, e टू द पावर 2t रहेगा राइट, अपॉन का 6, अपॉन का 6 भी लिखा ये 2t है, e टू द पावर 2t अपॉन का 6, ये पहले वाले ब्रैकेट को इंटू रहेगा, यानी कि क्या क्या लिखेंगे हम लोग, टी क्यूब अपॉन 5 माइनस 3 टी स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 6 टी अपॉन 125 माइनस 6 अपॉन 625 प्लस, ये जो टर्म था ई टू द पावर 2t अपॉन 6, ये आगे भी तो मल्टीपल होने वाला है, आगे भी तो मल्टीपल होगा, तो उसको वैल्यू कैसे हो जाएगी देखो, ई टू द पावर माइनस 3t इसके साथ इंटू होता है तो यहाँ तक 2t बचेगा, आगे इंटू होता है तो देखो प्लस ये 6 और ऊपर वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि e टू द पावर माइनस 3t अपॉन कितना आएगा 625। कैसे मैं बताता हूँ फिर से, ये वाले राउंड ब्रैकेट को e टू द पावर 5t कॉमन बाहर निकाला था, तो e टू द पावर माइनस 3t और 6 इसके साथ, ये पहले पूरे लाइन के साथ इंटू होता है, तो ये e टू द पावर 2t अपॉन 6 वही इसके साथ बाहर रखा मैंने, ठीक है पहले ब्रैकेट के साथ, लेकिन ये टर्म आगे चलकर प्लस के आगे जब इंटू होता है तो अपॉन का 6 और ये ऊपर का 6 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा ई टू द पावर माइनस 3t अपॉन 625, इतना क्लियर है। देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 6 है ना वो भी मैं अंदर मल्टीपल कर देता हूँ, बाहर ई टू द पावर 2t लिखता हूँ, लेकिन सिर्फ कॉमन बाहर लिया हुआ 6 अंदर प्लेस कर देता हूँ, तो क्या रहेगा टी क्यूब अपॉन 6 5 30 माइनस ऊपर 3 है नीचे 6 है, तो 3 1 3 2 अपॉन में 2, 25 इंटू 2 कितना होगा 50, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर अपॉन 50 प्लस ऊपर का 6 नीचे का 6 कैंसिल क्या आएगा फिर वो टी अपॉन 125, 6 और ये ऊपर का 6 नीचे का 6 कैंसिल, तो क्या रहेगा माइनस 1 अपॉन 625 प्लस ई टू द पावर माइनस 3t अपॉन 625। दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2 द होल रेस टू 4 और s प्लस 3, ठीक है इतना समझ में आया होगा। देखो मैंने जैसे कि पहले बोला है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से कई सारे प्रैक्टिस हम हमारे इसके पहले के लेक्चर में हो चुके हैं, अभी के लेक्चर में भी यही कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं और कुछ प्रैक्टिस सम ले रहा हूँ। अगर किसी यहाँ पर आज दो ही क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चन में से अगर किसी कंसेप्ट में डाउट है या फिर किसी स्टेप में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो अभी के साथ इस ये लेक्चर में यही पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो वीडियोज़ को लाइक कर दो, लाइक भी कर दो और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कर देना। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।